देख रही है अरमान के कलेजे पर ना सांप लौट रहे हैं अपनी आसमा को किसी और की वोटी के रूप में देखकर। ऐसे वीर जी और रानो ना पलाई के लिए कर रही है सब, उसकी भी और तेरी भी, थोड़ी एक्टिंग तू भी कर ले। क्या हुआ पुत्र? क्या हो गया इसको? हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा इसको। अरमान की कर रहा है पुत्र, इसको हॉस्पिटल लेकर जा। राजा ने किया आसमा पर हमला, क्या आसमा हो गई है घायल? शो की कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है अभी भी मुर्तजिम जैद नहीं कर पाए हैं पड़ोसी मुल्क को पार। वहीं पर दूसरी ओर हम देखते हैं कि सुखी भी यही चाहता है कि आसमा जो है वो चली जाए मुर्तजिम के साथ। लेकिन कर अपना करे, अगर बच्चे को कुछ हो गया तो जल्दी कर लेके चल इसको। ओ, सोच क्या रहा है, जल्दी कर। ताकि अरमान और आलिया की जिंदगी खुशी से बीते। आलिया की कोख में राजा का बच्चा है और ऐसे में उसके घर वाले कंसर्न है कि अरमान को आलिया का हो जाना चाहिए, लेकिन अरमान की जुबान पर तो आसमा का ही नाम है। तो घर वालों को लगता है जब तक आसमा अरमान के इर्द गिर्द होगी तब तक अरमान जो है आलिया के साथ आगे नहीं बढ़ पाएगा। अब ऐसे में सुखी और सुखी की बीवी चाहते हैं कि मुर्तजिम और जैद के साथ ही आसमा भी पड़ोसी मुल्क पहुंच जाए। वहीं इसी बीच हम देखते हैं गुरुद्वारे का सीक्वेंस, जहां पर हमने ये भी देखा कि किस तरीके से सरदार बन चुका है मुर्तजिम, अपने आप को छुपाने के लिए भेष धारण किया है, लेकिन यहाँ पर भी वो पकड़ा हुआ दिखाई देता है। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि आसमा की नजर एक आदमी पर पड़ती है जो कि हूबहू राजा की शक्ल का है। क्या राजा की हो गई है एक बार फिर से शो में एंट्री, ये देखना होगा इंटरेस्टिंग। आसमा जो कि राजा को ढूंढते फिर रही है, वहीं पर राजा आसमा के सर पर कर देता है एक पत्थर से वार। आने वाला एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर राजा को सब याद है तो राजा जो है आलिया से भी बदला लेगा। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय बताइए और कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब।